इनवेलप फ्लैप कैसा होता है, ठीक है ना? इसको अगर हम यहां पे डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो बड़ा आसान होगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फ्लैप इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टल इंसिजन अलोंग द सर्वाइकल लाइंस ऑफ द टीथ। यहां दोनों जगहों पे देखें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंसिजन दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट मोलर से लेके यहाँ पे K9 की मीजियल एस्पेक्ट तक, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे फर्स्ट मोलर के डिस्टल से लेके यहाँ प्री मोलर एरिया था, ठीक है। दिस इंसिजन इज मेड इन द क्या है, इन द जिंजाइवल सल्कस एंड एक्सटेंड्स अलोंग टू और मोर टीथ। आपने जिस टूथ पे काम करना है, ठीक है, एटलीस्ट वन टूथ अवे तक आपने इसको एक्सटेंड करना है, देखिए यहाँ डिस्टल साइड पे इधर, ताकि जब आप इसको रिट्रैक्ट करें तो जो सर्जिकल फील्ड है वो आपके लिए इजीली जो है एक्सेसिबल हो, ठीक है। टिश्यू कनेक्टेड टू द सर्वाइकल लाइंस ऑफ दीज टीथ एंड इंटरडेंटल पेपेला इज दस फ्रीड, यानी यहाँ इसको ताकि रिफ्लेक्ट कर सकें इजीली। ये दूसरी डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरह रिफ्लेक्ट किया गया है, मतलब इसमें देयर इज नो रिलीजिंग इंसिजन, यहाँ पे होता है ना रिलीजिंग इंसिजन, उसमें नहीं है, इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल इंसिजन है, जिंजाइवल सल्कस में देते हैं, ठीक है ना, जिंजाइवल सल्कस में देते हैं और जिंजाइवल मार्जिन के साथ ऐसे, ठीक है, अलोंग द टीथ यहाँ पे, दिस इज नोन एज एन एनवेलप फ्लैप। ये देखिए क्लिनिकल पिक्चर है। अच्छा, यहाँ पॉइंट नोट करने का ये है कि आपने पैलेटल साइड पे जो एनवेलप फ्लैप देते हैं, ठीक है, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं ट्राइंगुलर इंसिजन, तो एनवेलप फ्लैप आप दे सकते हैं पैलेटल साइड पे, यहाँ पे ट्राइंगुलर इंसिजन जो है वो आप नहीं दे सकते, यहाँ रिलीजिंग इंसिजन नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये दिस इज एन एनवेलप फ्लैप ऑन द क्या है, पैलेटल साइड।